और ये भी अटक चुके, हम भी और अटक वो गेम चुके हैं, सेंटर और ये अपने ये दोस्त मिल चुके हैं गाइस हमें आगे उसे ट्रॉली और में, क्या हो रहा है। आ जाओ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल कभी कभार व्लॉग्स। तो ये वाली वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आज के सीन कुछ ऐसे हैं। आज का व्लॉग होने वाला है सुरकंडा मंदिर का। तो हमारा अचानक ऐसी प्लान बन गया कि मंदिर चलते हैं, और थोड़ा और वजह भी थी, बहुत सारी चीज़ें वहाँ बन चुकी हैं, रोपवे बन गया है। अगर रोपवे चालू हो गया तो वो स्टार्ट करेंगे यार, वो ट्राई करेंगे। बहुत टाइम से बनने जा रहा था वो, लेकिन अब फाइनल हो गया उसका, तो वो भी दिखाएंगे। अगर स्टार्ट होना चाहिए बस। तो अभी भी तो पहुँच चुके हम कर्णाताल में, कर्णाताल से आगे हैं, और बस चलते हैं फिर दिखाते हैं आपको। तो मंदिर में आते आते हम थोड़ा धार्मिक टाइप के हो जाते हैं। होने के बाद पूरा कलर निकल चुका है इसका, और ये पुराना रास्ता है मासुरगंडा का। ये दिखा तो दे। फिलहाल तो हम पहुंच चुके हैं कद्दूखाल में, और यहाँ काफी भीड़ लगी हुई है। आज यहाँ पे गाड़ी पार्क की जगह भी नहीं मिलेगी। फिलहाल तो पहले गाड़ी पार्क करते हैं, उसके बाद चलते हैं। अभी हमने गाड़ी पार्क कर ली है, और इसके बाद थोड़ा पैदल जाने के लिए बहुत ही चल तो रही है। वहाँ पहले हमने थोड़ा पैदल जाना है, दिखाता हूँ। देखिए रूप पे ऊपर इतना पैदल जाना पड़ेगा, फिर ऊपर चल तो है। यहाँ पे आते आते मेरे को एक चीज़ दिखी है, और बहुत ही बढ़िया चीज़ है वो, इसको ढंग से पढ़ ले। जो भी यहाँ आ रहा है बहुत ही सही चीज़ लगाई हुई है यहाँ पे। तो देख सकते हैं आप, रोपवे तो स्टार्ट हो चुका है, और आज हम भी इसे ट्राई करेंगे। इसका अप एंड डाउन का कॉस्ट है रखा हुआ है इन्होंने 177, सही है, लेकिन एक चीज़ बेकार हो चुकी है इधर, लोकल का रोज़गार ख़त्म हो गया है। जो मतलब घोड़े का चला वाले थे, सामान लो डालने वाले थे, वो एंड हो चुका है इसकी वजह से। गाइस जो बस स्टार्ट, सिस्टम करेगा ना बंद अंदर से, ऑटो सिस्टम जैसे मेट्रो वगैरह का होता है। उधर के लिए लोग, उधर के लिए आप लोग कहाँ से हो? हम लोग यूपी से हैं। यूपी मुजफ्फरनगर। हम लोग यही से हैं, लोकल लोकल ही है। लोकल ही अच्छा भाई लोगों, ये होने लगा है तेज। आंटी डर रही है। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं डर नहीं रही। वो पीछे वो कुछ और दीपक भाई फुल कैमरा व्यू, साहिल कैसा लग रहा है आपको? नीचे का व्यू लो रहा है, नीचे का बाहर का यार तो कुछ दिख ही नहीं रहा, मुझे दिख रहा है, मैंने कर दिया। एक बंदा नीचे ही रहना देना। ज़्यादा तेज लग गई अब जन। सेटअप पूरा चल रहा है ना, अब तो होगी फिर। वाह भाई कितने नीचे हम। ये होना चाहिए ना कास्ट का मजा। ये भी कास्ट का होना चाहिए था। मेरे को तो धक धक हो रहा है। दूसरी ट्रॉली में आंटी है बैठी हुई, बिल्कुल चश्मा लगा के। ओ बेटा यहाँ देना नीचे, कितना नीचे भाई। पहले भी चश्मा लगा लिया। कोई नहीं, आप आओगे पूरे व्लॉग में आओगे आप। नीचे आ रहे हैं हमारे साथ भाई, हाय कर दे एक बार। और ये भी अटक चुके हैं, हम भी अटक चुके हैं, और ये अपने ये दोस्त मिल चुके हैं गाइस हमें आगे उसे ट्रॉली में। क्या हो रहा है? आ जाओ कूद मार के इधर।
सेंटर में रुक गई है भाई ये पता नहीं क्यों डराना चाहता है मुझे। चिड़िया टाइप की होती है इतनी ऊंचाई पे देखिएगा ये भाई है वैसे मुझे लग रहा है कि खिड़की है इसमें देखा खिड़की ये तो रही ये तो रही खिड़की अबे यहाँ दे वो खिड़की है भाई मैं बोलता रहूँ अच्छा ये यहाँ आते हैं यहाँ से रनिंग रनिंग की जैसे मनसा देवी है वो भी रनिंग की है तो बहुत तेज चलते ये तो भी ट्रायल है ये भी ट्रायल ही चल रहा है ना अच्छा और कुछ और दीपक भाई को यार धक धक हो रहा है मैं रटाड़ता ना मुझे तो हो रहा है ना धक धक भाई डेरिंग अंकल और आंटी जी बैठे चलो भाई तुम नीचे जाओ देखो मैं चलते जाओ आज रिमोट मंदिर से आ रही है चल तो भाई गाइस हम चल चुके दोबारा ऊपर हाइट में यहाँ से पैदल ट्रैक है वो थोड़ा सा ऊपर में है बस अच्छा यहाँ से भी थोड़ा पैदल आ गए हम सही सलामत आ गए सही सलामत जय माता दी ये डर कौन रहा था ट्रॉली पे अब तो उतर सकते भाई तो कैसा लगा भाई आपको बढ़िया तेरे मुंह में डर दिखाई दे रहा भाई मुझे डर चलिए 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 आराम से चलिए गाइस अंकल और आंटी यूपी से आए हैं और इन्हें देख के मुझे अपनी दादा और दादी की याद आ गई है सो दोस्तों मंदिर में पहुंच चुके हम और जितना हो सकता दिखाने की कोशिश करूंगा अंदर जाना तो मना है वैसे कैमरे का और ये रहे दो चिमकांडी और ये है व्यू मां सुरकंडा का मंदिर से दर्शन दर्शन करके आ चुके हैं तो अब यहाँ पे साहिल भाई कुछ कहना चाहेंगे तो साहिल भाई पधारिए कुछ नहीं कहना चाहेंगे हम बहुत अच्छा सीन रहा ट्रॉली का और अंदर की फुटेज तो हम ले नहीं पाए क्योंकि उधर मना है कल कैमरा अलाउड नहीं है गाइस फिलहाल फिर से चलते हैं नीचे इस बार थोड़ा सही दिखाने की कोशिश करेंगे ऊपर आते टाइम दिख नहीं पा रहा था मंदिर से दर्शन करने के बाद अब घर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं साहिल भाई मैं तो नारियल खाने वाला हूँ जिसको हम खाना नहीं खिलाएंगे अरे कैमरामैन दीपक भाई कैमरामैन देखिए इधर कैमरामैन दीपक कुमार के साथ अभी रहो क्या परेशानी है आपकी जात रहन से यहां तेरा धीरे गरम रखो हैं और सही बात है धीरे गरम रखो तो भाई लोगों इस बार सवारी चेंज हो चुकी है हमारे साथ तीन लोग नए हैं
खास की मुझे नीचे शीशा होता है कोई बात नहीं, हमने यूट्यूब पे डाली ना ना, वो क्रॉप कर देंगे हम सॉन्ग डाल। बोलो नहीं नहीं तेज होगा बेटा, ये छोड़ दो ना, इतना तेज नहीं होता है यार, इतना ही तेज रहेगा, इतना ही है, देख लेना आप। तो भाई अब पहुंच चुके हम जम्मा में, और इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं था, बस वही चीज़ दिखानी थी क्योंकि सुरकंडा इधर जाना लग रहा था और उसकी बहुत सारी वीडियो हो चुकी है, और मेन वो था कि वो रोपवे चालू हो चुका है। वेल डन। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट।